शर्मा शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एवरग्रीन, एवर यंग, बोल्ड एंड बिंदास, मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, और जब वो स्टेज पे आएंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिए द सुपरस्टार, वन एंड ओनली मिस्टर ऋषि कपूर। इससे पहले कि तुम बात करो, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। ये लगता नहीं है कि दूसरा अवतार आ गया, इसमें बच्चा लग रहा है। सर, बच्चे हैं आपके? आपके हाँ, बच्चे तो हैं, लेकिन तुम और बच्चे लग रहे हो यार। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जब लास्ट तुम्हें देखा था तुम काफी जरा, अब तो बिल्कुल ही बच्चे हो गए हो तुम। गर्ल्स प्लीज नोटिस। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मजा आने वाला पाजी, मेरे फेवरेट है ऋषि सर। तेरे तो फेवरेट है जी, पर तुम हिंदुस्तान में अगर किसी को पूछोगे ऋषि सर के बारे में, इनके परिवार के बारे में, तो ये परिवार एक संस्था है जो अमर है, अजर है, और जब तक बॉलीवुड रहेगा इस परिवार का नाम चमकता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, पीढ़ी दर पीढ़ी महानायकों का परिवार है, चमक है कोहिनूर की, हर सितारे में जलवा हजार है। इनके वजूद का अंदाजा इस बात से लगा लो यारो, सागर की गहराई से अंबर की ऊंचाई तक इनका रुतबा बेशुमार है। क्या बात है। ये जो बुक आपको ऋषि सर ने गिफ्ट की है, पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। खुल्लम खुल्ला इसका टाइटल है, जैसे ऋषि सर का स्वभाव है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। सर, खुल्लम खुल्ला ही आपने टाइटल क्यों रखा? एक तो ये गाना मैंने ही गाया था जी, और दूसरा मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें साबित किया है या कहना चाहा है जी, वो एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है मेरा। बहुत लोग छुपा देते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैंने सब कुछ जितने जो कहना था कह दिया। अब मैं लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, अपने कन्फेशन करके मैंने सब कुछ खुलासा कर दिया। सर, आपको इसकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए ऋषि सर, यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार ताली एक बार ऋषि सर के लिए। पाजी, फिल्मों में तो ऋषि सर ने जितने भी किरदार निभाए हैं हमेशा चर्चा में रही हैं, ट्विटर पे भी आपके काफी चर्चे रहते हैं सर। अब आपने अपनी बायोग्राफी जो है खुल्लम खुल्ला, वो भी बहुत चर्चा में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर, आपको चर्चा में रहने में मजा आता है? मतलब कि आप, पता नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं आप। हालांकि एक ट्वीट करके मैंने भी काफी बवंडर खड़ा कर दिया था, पर जो आप करते हैं वो कमाल करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता। मैं देखिए, पहले तो आपको ट्विटर के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप इसे क्यों, इस पर क्यों हैं आप। राइट। मैं तो अपने मज़े के लिए रहता हूँ, इंटरेक्शन विद माय फैंस, मैं जो चाहने वाले हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रोल्स, जो नहीं भी चाहने वाले हैं, जो दुश्मन, तो वो तो बीच भवन में घुस जाता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ। आ जाओ मेरे सामने, तो कैच देम बाय द हॉर्न, यू नो, मैं उनको ऐसे आसान से नहीं मैं छोड़ता। बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर, प्लीज से माय हाय टू रणबीर, कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर, आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे, आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो इंजॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया, फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? साढ़े पाँच घंटे। साढ़े पाँच घंटे मेकअप में ही जाने हैं। ब्रिलियंट, सुपर, सुपर। हमने सुना है कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्टर अपनी बायोग्राफी जो है वो खुद स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को दिखाएंगे। सर, ये सच है कि आप स्टेज पे प्ले करने वाले हैं? ये डर के कह रहा हूँ मैं, जी हाँ, कि मैं पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऐसे बैठ के आपके सामने सुनाने वाला हूं। क्या बात, मजा आएगा सर, क्या बात। और उसका नवजोत, मेरे ख्याल में मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है, वो 16 मार्च को मुंबई में होगा। क्या बात, एंड आई एम ट्राइंग टू दैट। और ये जो साहब कर रहे हैं वो कहीं हमारे बीच में बैठे हैं, इस नेम इज मिस्टर जयराम गोपाल, वो फाउंटेन हेड के ओनर्स हैं, वो इस किताब को आपके सामने इनैक्टमेंट में लाएंगे। तो जयराम जी यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो ये आपका आइडिया था कि ऋषि सर इसको परफॉर्म करें ऐसे करके? ये एक्चुअली यू नो, हम लोग एक फ्लाइट में थे बॉम्बे टू दिल्ली, एंड वो टाइम पे इनके बुक के बारे में बात चल रही थी, तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली टुगेदर ये आइडिया निकला कि व्हाई डोंट ये, इसको अगर हम स्टेज में लेके जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगा, यू नो। और ये जो एक शो बन रहा है, फर्स्ट टाइम कोई आर्टिस्ट अपना एंटायर बायोग्राफी एनैक्ट करने वाले हैं,
और जब ऋषि जी इज इन द मूड ऑफ दैट एनएक्टमेंट यू नो दैट इज हिलेरियस यू नो तो आपको देखना चाहिए वो शो जब ये बहुत हम रिहर्सल्स में देखने जाएंगे सर. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको किस्सा सुनाया था जब मनमोहन देसाई साहब ने मुझे फोन किया था तो उसे पढ़ने में और एक एनएक्ट करने में एक उसका दूसरा ही मजा है. क्या स्क्रिप्ट तो है नहीं जो दिमाग में उस वक्त वो आप कहेंगे. इसे मैं नीतू से कहता हूँ झगड़ा मत करना सर, अगर झगड़ा करेंगे मालूम पड़े शाम का शो खराब हो गया. अच्छा जब हमने जयराम की बात कर ली आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट माई को ऑथर जिन्होंने ये जो मेरे साथ ये किताब ने लिखी है. पहले तो मैं उनको मेडल दूंगा. अच्छा कि मेरे जैसे आदमी के साथ 3.5 साल पेशेंटली गुजारना बहुत बड़ी बात है. पहला मेडल नीतू को जाता है, दूसरा मेडल इसको जाता है. मीना अय्यर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस बुक में ऋषि सर के साथ को ऑथर हैं. और मीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. थैंक यू कपिल. कैसा एक्सपीरियंस रहा ऋषि सर के साथ 3.5 साल? जैसे उन्होंने बताया वैसे ऑलमोस्ट दूसरी बीवी वाला रोल निभाया आपने. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ किस्सों को लेके आप बहस की हो कि नहीं ऋषि जी ये तो आना ही चाहिए या ये नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई हुई चीजें? आप ऋषि जी के साथ बहस करके देखिए, यू कैन नेवर विन. मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है पृथ्वी थिएटर. सर सब जानते हैं कि वो कपूर परिवार की देन है. सर आपने कभी बचपन में या कभी कॉलेज डेज में कभी किया थिएटर वगैरह? जी हाँ, एक बार पृथ्वी थिएटर के लिए मैंने प्ले में काम किया था. मेरा काम सिर्फ यह था कि सोने का, वो शादी का सीन था और मुझे बेड पे सोना था, बस यही मेरा रोल था. अच्छा, सो ही रहा था. अच्छा ऋषि सर आपने इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने खूबसूरत टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके राज कपूर साहब, मैं सर आपकी फैमिली का ही फैन हूँ. मैं तो ये सोचता हूँ कि एक कपूर फैमिली ऐसी है कि जब बच्चा होता ना पैदा तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, आपका तो कन्फर्म ही है कि ये सुपरस्टार ही बनेंगे. तो सर बहुत सारी बुक एडिट कर दी गई क्योंकि इतनी लंबी बुक भी आप नहीं लिख सकते, हालांकि सारे पार्ट्स हम सुनना चाहेंगे. कोई ऐसा किस्सा भी है सर जो जो हम डायरेक्टली सुन सकते हैं अभी आपसे? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने किताब लिखी क्यों जी, इसके दो रीजंस हैं. एक तो लोगों का मानना है कि कोई एक्टर है तो उसका बेटा या बेटी तो कन्फर्म स्टार है, जैसे आपने अभी कहा, अभी बेसाख्ता आपने जो कह दिया. ये जो लोगों का सोचना है ये क्लियर करने के लिए ऐसी बात नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फाके नहीं रखे होंगे, मैंने शायद रेलवे स्टेशन में मैं सोया नहीं होंगे, मैं एक अमीर बाप का बेटा, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना भाई. नहीं नहीं बिल्कुल. मुझे ज़रूर चांस तो ज़रूर मिल गया बॉबी में मैंने काम करने का, और बॉबी में जब काम किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, वो हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी. खैर बहरहाल बॉबी रिलीज़ हुई, पिक्चर हिट हो गई, मैं ज़रा कुछ बड़ा सा स्टार बन गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दौर में मैंने कदम रखा था उन दिनों में म्यूजिकल्स और रोमांटिक फिल्म्स की अहमियत कम हो गई थी. अच्छा. ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मार पिटाई की पिक्चरें देखनी थी और हम भूलते हैं कि उस वक्त एक एंग्री यंग मैन सीन पे भी आ गया था. जंजीर और बॉबी एक ही साल लगी थी. क्या बात है. लेकिन मुझे एक्चुअली सामना करना पड़ता था उन सब तूफान जैसे जो एक्टर होते थे जिनके हाथ जो जो मार पिटाई की पिक्चरें करते, अच्छी पिक्चरें करते थे, वेल गुड फिल्म्स एंड वेल एक्टेड फिल्म्स, बट मेरा सर्वाइवल तो उन्हीं के सामने होता था. तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने शायद स्ट्रगल ये नहीं किया होगा फॉर अ ब्रेक इन द फिल्म, बट जिंदगी का 25 साल उसके बाद मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उनके सामने रहते हुए. बहुत बड़ी बात है. और दूसरा ये कि जीते जी किसी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, उन पे किताबें बहुत लिखी गई लोगों की. तो एक ज़रूरी था कि मैं अपनी जर्नी, अपने काम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी जो कमजोरियां हैं, मैंने अपने आप को ही दोष दिया हर चीज़ में, जहां मैंने गलत काम किया मैंने सब खुलासा कर दिया, इसलिए ये ज़रूरी था ये किताब लिखना. बहुत ज़रूरी था. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. ये सब मुमकिन तब हुआ है जब हार्पर कॉलिंस ने मुझे अप्रोच किया था. मैं मेरे जैसा आदमी, लेजी आदमी, इम्पेशेंट आदमी कहाँ किताब लिखेगा. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ बैठे हैं, हिज नेम इज मिस्टर शांतनु रे चौधरी. वेलकम वेलकम. ये एडिटर हैं हार्पर कॉलिंस के. सर एक बात की तो मैं दाद देता हूँ, आपने बहुत ही सही इंसान को चुना, आपको पता था कि बड़ी मजेदार चीजें निकलने वाली हैं. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस to encounter somebody who is so honest, itni khulase se itna kuch keh jana, and the fact that we actually made this book happen in about 2 months.
Last two months. मतलब ये हाल हो गया था कि ऋषि जी मुझे बुला लेते थे, अच्छा चले आओ बॉम्बे. पिछले दो महीने से मैं घर में कम, इनके घर ज्यादा रहा. So, मेरा राशन ज्यादा खाता था, घर का राशन कम खाता था. So much so, कि मेरे कलीग ये बोलने लगे कि तुम अब ये काम के लिए नहीं जाते हो, उनके लंच के लिए जाते हो. कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, सारी टीम को. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और लोग सुनना चाहते हैं बाजी, बिकॉज हम लोग आपकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, हमें लगता है कि यार ऋषि सर अच्छा क्या क्या खुलासा. बड़े कहा, तुम तो छोटे हो जा रहे हो यार. बिल्कुल बच्चा लग रहा है ये. बिल्कुल. मेरी मम्मी पापा अलाउ करते हैं एडल्ट फिल्म देखने के लिए? सर मेरे पापा आज होते ना, आज वो है नहीं, ऊपर बाहर लेके घर चले गए, पर वो बहुत फैन थे. और वो एक बात बोलते थे आपके बारे में, कहते थे कि ये इंसान, ऐसे ही बोलते थे, मैं उनकी वर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, कहते ये लड़का जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो ऐसे लगता है इनको बजाने आते. आप इतना, अगर गिटार बजाते हैं आप प्रॉपर कॉर्ड रख के. अब जैसे अब उन्होंने बेस गिटार में वो किया उन्होंने जी, वो मैं कर लूँगा. अच्छा. देखो जी क्या है, लोग का ऐसा मानना है और ऐसे सोचते हैं कि मैं गिटार बजाता हूँ, ढफली बजाता हूँ, ट्रम्पेट बजाता हूँ. मैं किसी चीज़ को नहीं बजाता, मैं तुम्हारा बेवकूफ़ बनाता हूँ. जब हम बच्चे थे तो हम पिक्चर देखते थे, नाम नहीं लूंगा किस फिल्म और कौन एक्टर के, लेकिन वो पियानो में बैठे और ऐसे की नोट चले जा रहे हैं, पियानो अच्छा बज रहा है और वो ऐसे एहसान कर रहे हैं वो पियानो पे बजा रहे हैं. वही ऑनर की आपके काम में भी दिखती है सर. दिखती है. उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि मैं बेवकूफ बनाता हूँ. किसी सयाने ने सही कहा है कि एक अभिनेता जो है वो 3 घंटे लोगों का बेवकूफ बनाता है और एक नेता जो है पूरी उम्र बेवकूफ. मेरे साथ नवजोत क्या होता था कि जो मेरी हीरोइन होती थी ज्यादातर नीतू ही थी, तो मैं जब रोमांटिक गाना गाऊं मैं इतना बेसुरा और उसको मैं जोर से गाता था. प्लेबैक तो बज रहा था तो मैं जोर से गाऊं. मेरे जोर से गाने से लोग बेताले हो जाते. बट आई स्टिल गुड. मुझे एक दिन याद है मैं गाना कर रहा था बारूद का, शॉज़लीज़े पेरिस में बहुत पुरानी बात है. तो शोमानंद जी जा रही थी और मैं उनका पीछे कर रहा हूँ. होता ना कैसे टिपिकल फिल्मी सिचुएशन होता है वो. तो हुआ कि मेरे 25 कदम पीछे साउंड रिकॉर्डिस्ट था, फुल लाउड की आवाज़ नागरा, और मैं आगे, और मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा हूँ कि जैसे वो साउंड चालू करता था, कैमरा चालू होता था, तो गाना पीछे से कोई शुरू होता था, मैं एक्शन कर रहा होता था ऐसे गाता था. तो जितने वो परिजियंस थे वो देखते, इस आदमी को हो क्या गया यार, वो गाना पीछे से बज रहा है, ये बजाता है. सर आपकी फिल्म नगीना यार, इन्होंने गलत नाम का प्रॉम्प्टर वाला बदतमीज है सर. मैंने बोला भी नगीना, ये बेवकूफ आदमी, बेइज्जती करवा दी ना मेरी. ओके. अच्छा नगीना का जिक्र ना हो सर, एक्चुअली जब नगीना हमने देखी थी ना तो हमें लगता था कि ऐसे इच्छाधारी सांप होते होंगे, क्योंकि आप वही बात बेवकूफ बनाने वाली कि आपने इतनी कन्विक्शन के साथ किया, ऊपर से श्रीदेवी जी ने इतना बखूबी निभाया, तो हमें लगता था कि शायद हमें भी कोई ऐसी लड़की मिले जो सांप भी बन जाती बाद में खूबसूरत. तो श्रीदेवी जी बेसिकली साउथ से हैं सर, तो जब आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो मतलब वो हिंदी बोलती थी अच्छे से कि आपको तमिल सीखनी पड़ी थी? नहीं, जब हमने फिल्म नगीना की, देखो वो बहुत बड़ी स्टार थी. एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना वो रन आउट हो गई जी, तो लाइट्स जैसे ये सब लाइट्स ऑन है और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को, मैगजीन निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन. तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े हुए, लाइट्स चालू हैं, सब साइलेंस है सब जगह, और वहाँ क्या कहें. तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 times. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे, थैंक यू वेरी मच. मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है उनकी. मैं सोचते सोचते बड़ा, हाँ जी शॉट रेडी, बोले चलो जी रेडी रेडी विद द शॉट. कैसे मजे हुए लोग थे, श्रीदेवी एज एन एक्टर, कमाल की एक्ट्रेस, ग्रेट डांसर, बहुत एक कंप्लीट एक्ट्रेस, जिसमें कहते ना इन असल. और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट माय फ्रेंड अमरीश पुरी. वाह अमरीश जी. सर मेरी बड़ी तमन्ना थी बहुत सारे लोगों से मिलने की. तू वो नकल उतारता है अमरीश पुरी? नहीं वो तो करके दिखा एक बार, भगवान ने ऐसा एक बार कर तो दिखा यार, कमाल कर रहा है. करता नहीं हूं सर, वैसे कर रहे
अरे मुझे याद है किस्सा, हमारे अमृतसर में शूट करने आए थे वो इसके लिए, सनी पाजी की फिल्म थी गदर, और मेरे फादर पुलिस में थे तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, तो उनको पता था कि मेरे बच्चे को शौक है तो आ जा तू फिल्म में पार्ट लेना, कुर्ता पजामा पहन के आना, उनकी ये कंडीशन है। मैं चला गया, अब मुझे तो समझ नहीं थी फिल्म की स्टोरी है क्या, मतलब क्या होना है। तो अमीषा पटेल छूट जाती हैं ट्रेन में और अमरीश जी बैठ के चले जाते हैं, तो मेरे आगे अमरीश पूरी पहली बार लाइफ में और अमीषा पटेल, मैं सोचूं कैसे बुलाऊं, तो मेरे को समझ ना आए, ब्लू कलर का अमरीश साहब ने कोट पहना हुआ, मेरे को कुछ और नहीं सूझा, तो मैंने ऐसे ही कर दिया उनको, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा मगर अच्छा मैं सर वो जैसे एक्शन बोले हम भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए, तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगा कि यार अमीषा पटेल हर बार चढ़े ना, तो मुझे अच्छा मैं ना डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर ना कोई लेना ना देना, मेरे को अमीषा पटेल पे गुस्सा आई है, मैं कहा यार ये ठीक नहीं कर रही, हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि उनका सीन ही यही है कि ये छूट जाएंगी यहाँ पे। एनीवेज पर मैं उस समय मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमरीश पुरी साहब से मिलने का। तूने आधे घंटे की वो सुना दी पर फिर अमरीश जी की आवाज फिर नहीं निकली, अमरीश जी की आवाज। अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। वी आर मिसिंग यू अमरीश पुरी साहब। यस अच्छा किया तूने, खुद ही बता दिया बचना है सीनो, इसके पसीने की बड़ी स्मेल आती है। थोड़ी देर के लिए आप मौन व्रत रखेंगे सर? ऋषि सर पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, बींग एन एक्टर बींग चंदन प्रभाकर, मैं सर से बड़ा इंप्रेस हूँ सर। एक लाइन है जो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में आती है, ऋषि सर ने अपने ट्विटर पे लिखी हुई है, फेमस सन ऑफ ए फेमस फादर एंड फेमस फादर ऑफ ए फेमस सन। अरे भाई आई लव यू सर। अच्छा मुझे पता नहीं था इतना इंटेलिजेंट है वैसे। सो इतने बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, इतना हैंडसम एक्टर है आपके सामने खड़ा है, मेरी थोड़ी तारीफ करो। क्या करूं तेरा, ये नाइटी पहन के क्यों घूम रहा है पहले ये बता। ऋषि सर इतना बड़ा ये शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि नाइटी के साथ बीन लेकर कौन घूमता है। कहते हैं नगीना टूर हमने बनानी है तो मेन रोल इस बार सपेरे का होगा। तो देखो मेरे को ऐसा बना दिया इन्होंने, नागिन तो इन्होंने पाजी वो दी है, ओ बंदे को डसे ना, बंदे को देख ले बंदा वहीं मर जाए। मैं बुलाता हूँ अभी नागिन, बुलाता हूँ नागिन का है? नागिन है? ऐसे कौन बुलाता, बीन बजाओ ना, अभी बजा देते बीन। ये नागिन है कि एनाकोंडा है? सच बताइए आपने मुझे पहचाना कि नहीं? पुराने खंडरों में भटक भटक कर मटक मटक के कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। खंडर तो पुराने होते हैं, नया खंडर कौन है? खंडर नया भी होता है। कभी तुमने सुना है कि नए खंडर की इनॉग्रेशन हुई हो? क्या हुई हो? इनॉग्रेशन। तू क्यों अंग्रेजी की इज्जत लूट रहा गुरु? रहना के उद्घाटन। इंटू जी इनकी बातों को छोड़िए, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये तो बातें करते रहेंगे तो एक दिन में 26 घंटे बातें कर लेते हैं। लेकिन मेरी अभी अभी एंट्री हुई है, आप जरा मुझ पे फोकस कीजिए। मैं हाय आई एम इच्छाधारी नागिन। थैंक यू। या थैंक यू बोलो। जब आपको जेल हुई थी तो ऋषि सर ने ट्वीट किया था आपके फेवर में। ये मैं जानती हूँ, मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं इतनी इच्छाधारी नागिन बन के ना अलग अलग रूप धारण करके कब से आपसे मिलने को ट्राई कर रही हूँ, और मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने वो ट्विटर की चिड़िया बन के भी आपसे मिलने आई थी लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तू ट्विटर की चिड़िया कहाँ से बन गई? तुझे तो शेयर मार्केट का सांड बनने के लिए भी वेट लूज करना पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये, कुछ भी बोलती है आगे। कपूर शर्मा आज नागिन मैं बनी हूँ तो जहर मैं उगलूंगी, आप क्यों उगल रहे हैं? पाजी जो नागिन होती है ना सुबह उठकर दूध पीती है, पहली नागिन है जो सुबह उठकर भटूरे मांगती है। ये तो किसी को डसे जहर थोड़ी निकलना है, रिफाइंड ऑयल बाहर निकलना है। किंतु जी आप देख रहे हैं ना किस तरह मैं दो नेवलों को एक साथ हैंडल कर रही हूँ, इससे ज्यादा नागिन वाली बात और क्या हो सकती है। सर इन्होंने हमसे कहा था कि नगीना 2 ये बना रहे हैं तो जो भी हम रोल करना चाहें उसके हिसाब से कपड़े वपड़े पहन के हम आ जाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने गुड लुक्स की वजह से मैं इस फिल्म में अहम किरदार निभाऊंगी। मैं इस फिल्म की हीरोइन बनूंगी। और लुक्स के हिसाब से तो तुझे कछुए का किरदार निभाना चाहिए ना। अब उसके पास गर्दन नहीं है तो कछुआ कहाँ से बन जाए वो? एक्चुअली इतनी बड़ी नागिन होती नहीं, इतने बड़े तो घोटाले ही होते हैं।
मैंने बीन बजाकर तुम्हें अपने वश में कर लेना है। अच्छा, अपनी उंगलियों पे नचाना है मैंने तुम्हें। हाँ तो अपनी उंगलियां नीचे रखी, मैं नाचती हूँ इनको। नागिन, hey, how are you, man? यार मैं डरा रहा हूँ। ये बाबा का स्टाइल है, डरो तुम डरो। मुझे नहीं डरना, इस आदमी से कौन डरेगा आप बताइए। मैं अभी वश में करता हूँ, अभी मैं बीन बजाता हूँ। इनसे कुछ नहीं होना है। आ, मेरा जादू चल गया, मैंने इसको नागिन बना दिया। आप देखो, इसको मैंने अपने वश में कर लेना है। देखा आप ये गिलास। इन्हें लग रहा है इन्होंने मुझे सांप बना दिया। वो तो चार मिनट से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं अंदर केला खाने गई थी। देखा देखा आप लोगों ने किस तरह फेब्रुअरी के महीने में अप्रैल फूल बनाया इसको। मैंने तो तुझे छोड़ना नहीं तुझे मैंने। अगर आपकी वाइफ जो है वो आपकी केयर करती हो, आपको सपोर्ट करती हो, तो ज़िंदगी और इजी हो जाती है। और क्योंकि ये वैलेंटाइन वीकेंड भी है, सो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा इनकी बेटर हाफ, आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच, मिसेस नीतू सिंह कपूर जी का। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल। आइए मैम। हमारी बारी है। जी 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 प्लीज, मुझे पता था आएगा कुछ ना कुछ। बनती हैं आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं। अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें, सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई देती है। थैंक यू। अच्छा मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऋषि सर, आई लाइक हिम सो मच, तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो। जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में? कहते कपिल शर्मा, तो उसको बोलो मेरे को फोन करे, तुम कौन हो? तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट ही नहीं करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया, मैं सॉरी सर, मैंने आप, ओके सर यू कैन अंडरस्टैंड माई लव फॉर यू। अच्छा मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहाँ होंगे मेरे हस्बैंड, साथ में तो होंगे। So I said, yeah, so I was like, पर आप डरते क्यों है इतना? नहीं, मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। I was in, where was I? भोपाल। भोपाल क्या था? भोपाल में था। सर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बट यू नो, मैंने एक बात सीखी है ऋषि साहब से, कभी डरना नहीं। अच्छा, अगर जोर से बोले ना आप, उससे जोर से बोलो। अच्छा, that's what I do. When he does boo to you, do boo back. सारी पत्नियाँ please ध्यान से सुने। So ये जब बोलते हैं नीतू, I said what? Say, why are you screaming? I said you are screaming. Okay, there he goes. अच्छा हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी, आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियाँ डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने बहुत तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। yep. जब ये लिख रहे थे आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयां बड़ाइयां ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज ये तो कभी सोचते ही नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं ट्विटर पे, तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, आई सर आप पूरा लिख लो, फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं सर, ये सबके साथ होता है। भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी आपको पता नहीं। तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है, सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मेरे मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं, तो हमने मेडल मंगवाया स्पेशली। ऋषि सर आज, अच्छा ऋषि सर एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है मेरे, अच्छा। मैं जब नहीं होता हूँ तो इमेजिन हिज मदर टेल्स मी कि मैं हर साल एक मेडल तेरे को देना चाहती हूँ।
to be with my son. अच्छा इतना बुरा हूँ मैं? नहीं पर ऐसी ऐसी बात नहीं है. He's not that bad. He's मैं इतने साल I've been with him. It's, he has to be good also, right? Yes, of course. There has to be a lot more good than bad. समझ गया? मैं समझ गया. क्या बोल? He's a sweetheart. अच्छा ऋषि सर आप पता नहीं ऐसा बहुत कम होता होगा क्योंकि जब प्यार हुआ आपको फिर शादी हुई फिर आप एक जिंदगी साथ में बिताते हैं तो कभी कभी बोलना भूल जाते हैं. आज आपको नीतू मैम को जो बोलना दिल से अगर आपको सॉरी भी बोलना है या अप्रिशिएट करना जो बोलना हम सुनना चाहते हैं सर आप क्या बोलते हैं? मुझे क्यों बोलना है यार? और अगर बोलना है तो तेरे सामने उनके सामने क्यों बोलना है? पर आप बोल रहे थे ना कि मुझे मेडल देना है. मेडल मुझे नहीं आप लोगों को देना चाहिए यार. मैं क्या मेडल दूंगा? तो मेडल कहाँ है? एक्चुअली हमने मेडल मंगवाया. सीरियस कहाँ है मेडल? वाकई तू कर रहा है यार. सर एक्चुअली मेडल लेके आए सर हमारे शो के हिसाब से बजट मतलब जो वर्ड्स बेस्ट वाइफ इस पे लिखा गया है कि अभी जब आपने बात की हमने उसी टाइम तैयार करवाया है. ओह माय गॉड. साथ में खूबसूरत दिखने के लिए थोड़े फूल भी हैं बजट के हिसाब से. बाकी करूंगा. अच्छा नीतू मैम एक मैं जयराम जी से बात कर रहा था वो ये बोल रहे थे कि जब नीतू मैम आए तो आप उनसे एक सवाल जो ये मेरा सवाल नहीं है. हाँ जी. अब डरते क्यों? वो मेरे साथ बैठे हुए ना. अरे यार अच्छा ओके मैं ऐसे ही मतलब कभी आपके कभी होता ही है जैसे कि आपस में मियां बीवी रहते हैं सारी कहाँ है? अच्छा शूटिंग चल रही है ऐसी आ जाते हैं. नहीं नहीं रख दो. होता है ये? होता है. रीटेक हो गया ना? नहीं सर कोई रीटेक नहीं है ऐसा ही चलेगा. बट आई थॉट चाय वाय नहीं मिलती. अच्छा आप कुछ लेंगे मैम? नहीं नहीं कुछ नहीं. अच्छा तो एक्चुअली इतना भी नहीं चलता भाई फोन तो बंद कर लो. किसका बजा है फोन? मेरा था. तो एक्चुअली ये जयराम जी का सवाल है सर मेरा नहीं. वो कह रहे थे कि पूछना हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं दो बर्तन खटकते हैं लड़ाइयां भी होती हैं कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम नहीं ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 इयर्स रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती बस मैं जा रही हूं. बट फिर अरे कब? बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयां होंगी कि मैं रह जाती हूँ. जाती नहीं हूँ. अच्छा मैम जब आप उठती हैं सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या ऋषि सर के ट्वीट देखती हैं आप? आपको कभी टेंशन होती है कि आप सर ने कुछ लिखा? सोने से पहले ट्वीट देखती हूँ. वैसे नीतू मैम मैंने ऋषि सर जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे तो हमने ऋषि सर से पूछा था आपको जब इन्होंने प्रपोज किया था इन्होंने आपको किया था आपने इनको किया था ट्विस्ट किया था? याद नहीं है. एक इन्होंने कुछ चिट्ठी भेजी थी मेरे को सिख नहीं याद आई. टेलीग्राम भेजी थी. आई वाज कभी कभी की शूटिंग थी. ओके सो आई वाज लाइक क्या घड़ी थी वो? मैं पेरिस में था. अच्छा आई थिंक बोर हो रहे थे. ये श्रीनगर में थी. दोनों एक खूबसूरत जगह पे थे आप. नहीं क्या था दो दो शिफ्टें साथ में करते थे राइट. सो काफी टाइम ऐसे होता रहता था महीने साथ में रहते हैं फिर बीच में गैप आता था. सो एक दिन उन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी. आई वाज मिसिंग यू. सो आई सेड व्हाई वर यू मिसिंग मी? सी आई डोंट नो बट आई लाइक टू शूट विद यू. सो दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट ही काइंड ऑफ लाइक्स मी. फिर मैंने को बोला कसम खाओ. कसम खाता हूँ ऐसे स्वेयर कर मैं उंगलियाँ बताओ यू नॉट क्रॉसिंग योर फिंगर्स. यू नो वी वर चिल्ड्रन सो स्टूपिड बातें करते थे. सो लाइक दैट इट वाज जस्ट आई थिंक इट वाज वेरी चाइल्डिश बट वी गॉट यूज्ड टू ईच अदर. एंड फिर अभी चाइल्डिश है तो भूल जाए अभी चाइल्डिश हो गया था. बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार. अच्छा नीतू मैम कपूर फैमिली जो है एक तो बॉलीवुड फिल्में घर में अक्सर जिक्र होता है फिल्मों का होता होगा दूसरा खाने पीने के सब शौकीन है तो आप कभी खाना बना लेती वैसे कभी बनाया आपने ऋषि सर के लिए? मैं क्या कर रही हूँ खाना ही तो खिला रही हूँ. ये शायद फिजिकली नहीं बनाती होंगी लेकिन बहुत शौक है उसे. अच्छा कि नई नई डिशेस नई नई चीजें नहीं नेट पे ऐसा कोई शौक नहीं है. मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का इसलिए मैं रोज एक नई डिश देखती हूँ अभी तक. अच्छा
मतलब एक कोई डिश मैंने बना दिया, अगर मैंने रिपीट कर दी एक महीने के बाद, ये तो कल खाई थी. So I have to make him new dishes so he gets happy. जिसमें घी ना हो, जिसमें फ्राई ना हो, जिसमें ये ना हो, वो ना हो. जब मतलब कि उबला उबला हुआ जैसे खाना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं. अच्छा. नहीं, I give tasty food देती हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलो. मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि लाइट भी हो, इतने सालों बाद भी ओपिनियन मैच नहीं हो रहे. नीतू मैम, जब आप शादी करके आईं कपूर फैमिली में, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, आपको एक एक टाइम पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि मैं सच्ची फैमिली में आई हूँ या किसी अवार्ड शो में आ गई हूँ? सबके सब सुपरस्टार्स घूम रहे हैं. तो मैं भी तो थी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस. ये तो है. अच्छा नीतू मैम, एक्चुअली ऐसा होता है, आदमी कभी कभी मूड में है, दो ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है. और आप लाइफ पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है सर, जितने आपने हैं, बुक पढ़ी है. मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ. पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए हैं ऐसे, बहुत कुछ हुआ है. क्या हुआ है वो बहुत? मैंने बुक सी, ही इज नेवर हैड अफेयर्स. कभी अफेयर्स नहीं हुए इनके. सुन लिया? कभी नहीं हुए. सुन लिया आप लोगों ने? बट जो कैमरा है सुना कि नहीं? But insan hai, you can like somebody, like I can like somebody, so what? He can have a liking for somebody, not affairs. So samjho inka ek friend hai Rahul, okay? So ye aate hain ghar mein, 8 o'clock he starts drinking. So biwi samne hai and we talk normal things, aaj kya hua. 10 baje wo jo biwi hai wo Rahul ban jati hai. So then he starts telling me his, yeah, she's damn sexy, yaar. Sab jhooti baatein. Ye sab jhooti baatein. Ye sab jhoote hain, man. Ye man bhavan baatein hain, ye ladki jhoot bol rahi hai. Phir main bhi Sherlock ban jati hu. Main bola, acha. So ha, kya kya kiya? Phir wo batayenge, usne main aise mere ko aake flirt kiya. Phir maine ye kiya. ये ड्रामची तुम कर रहे हो. So ye sab na, main phir mere ko aur chhanbeen karni hoti, because main jhagda to kar nahi sakti, because abhi ye दूसरा लेवल है. सो आई कीप ऑन हियरिंग इट. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई टेल हिम, अच्छा सो दिस हीरोइन सेड दिस टू यू, सिंग हाउ डू यू नो? आई सेड यू टोल्ड मी लास्ट नाइट. मैं पर वैसे सर ये बात जान के बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, कोई अफेयर नहीं. डॉक्टर साहब, मुझे लगा पर्दे के पीछे आप बड़ी खूबसूरत लड़की से रोमांस कर रहे हैं. ये चुड़ैलों का बच्चा कौन था ये? क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाल आपकी गिटार में फंस गए थे, फिर आप निकाल रहे थे. मेरे पेचे लड़ते रहते हैं सिद्धू साहब. डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप बताइए? मैं ये वो ना, बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं. आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, आओ. कर क्या रहे हैं ये वो, व्हाट अ बिजी डे एवरीबॉडी. सो का बिजी डे ये सर, इतने फालतू आदमी, इतने खाली आदमी है, चीटी जा रही हो ना ऐसे उंगली करके उसका रास्ता रोक के टाइम पास करते हैं. बेकार आदमी है. चलो मैं तो चींटियों के आगे उंगली रख के रास्ता उनका खराब करता हूँ, बट तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम हर बात में उंगली करते हो. उन्होंने किताब लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, उंगली कर रहे हो तुम. हेलो सर. हेलो चिंटू जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटे. नहीं, बड़े आदमी है, नीचे भी है, ऐसे ही अच्छा लगता है. हेलो सर, नाइस टू मीट यू. प्लेजर इज ऑल माइन. ओह, दैट्स माय वाइफ. कोई बात है करने का भी शर्माई जा रहे हैं आप बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए हैं आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा जिसको तुमने दबाया. बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा. ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो. ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भास पड़े मेरे. दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी. हेलो. TCHNNH. TCHNNH मतलब? कैसा लग रहा हूँ मैं गिटार के साथ? टू गुड. Am I not hot? Very hot. आपने वो पैसे कौए की कहानी सुनी है?
जिसमें कौए को पानी नहीं मिलता या, या। आपको देख के लग रहा है उस कौए को आज तक पानी नहीं मिला और वो लोमड़ बन गया। ये गिटार ऐसे पकड़ते हैं आप? ऐसे कौन पकड़ता है गिटार? ऐसे लगता है फ्लश का हैंडल पकड़ा है। तो तुम इसको फिर खींच दो, आने दो पानी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे चलो ठीक है, बात करो उनसे आप। मूड ठीक करने दो मेरे को। मूड ठीक कर दिया। ये आप म्यूजिक वाले को बोल के आए कि आप नीतू जी की तरफ देखेंगे रहो टिंग टिंग करेगा? मेरा साला है ना उधर वाला। थैंक्स फॉर मेकिंग योर जीजा हैप्पी। क्या मैं आपको नीट्स कह सकता हूँ? ऋषि सर यहाँ बैठे हैं बट स्टिल से आप अपनी इतनी खूबसूरत कैसे हैं? आपसे किसने पूछा आप इतने बदसूरत कैसे? आप बताओ आप कैसे हैं? पूछा है किसी ने? अभी पूछा है। अभी तो आपने मेरे पेरेंट्स नहीं देखे। आप उनको देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। पेरेंट्स आपके नाम तो बताए नहीं, आपने कभी आए नहीं? छोटे लाल गुलाटे पापा का नाम, मम्मी का नाम रमेश गुलाटा। मम्मी का नाम रमेश क्यों है? मुझे आती थी ना तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम फिर रमेश रख दिया। मेरी बायोग्राफी पढ़ो तुमको पता लगेगा। मेरी बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है। एंड यू नो किंतु जी ऐसा नहीं है, मैं आप उनके हस्बैंड हैं बट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल्सो। यू नो आपकी जो फिल्म आई थी करज, करज ये कौन सी फिल्म? करज। हाँ तो मैं कौन सा फर्ज कह रहा हूँ, मैं भी तो करज ही कह रहा हूँ। उसके अंदर आपने गिटार पर गया पुनर्जन्म एंड ऑल। यू नो मैं उस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। लेकिन कभी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि इन्होंने पिक्चर ही नहीं बनाई कर्ज रिटर्न। किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? डॉक्टर किधर है? इधर है भाई। भाई बाद में आना, आई एम बिजी, आई एम बिजी। आज तू पैसे देगा या जान देके जाएगा अपनी? ओह गॉड, पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर जान ले लो उसकी। जान ले, सुनो मेरी बात। तो क्या दिख रहा है? दैट्स फाइन। मैं तो खाली हूँ, मैं तो शाम तक इधर ही हूँ। तुम्हारी तो दुकानें हैं ना, काम धंधा कर रहे हो, मेरे को तो कभी भी मार सकते हो यार। थोड़ा यार बड़ा बेशरम आदमी ये। मेरे को तो कभी भी आप अटेंड। यू सी सारा दिन लोगों का माइंड वॉश करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में इंटेलिजेंट होना। यू नो हाँ तो कहाँ था मैं? मार खाने से पहले इधर ही थे, उसके बाद उधर वापिस। आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपको? आज देखिए कितनी खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती कैसे बोलते? खुशकिस्मती सेम से कितने दो खानदानी लोग इकट्ठा हुए हैं देखिए। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। खानदानी कहाँ से हो गए आप? चूहे दानी तो आपसे खरीदी नहीं जाती। आपको पता है मुंह में रोटी डाल के चूहा पकड़ने बैठते हैं, वो भी इतनी बासी रोटी। चूहा मैंने आज तक नहीं बोलता देखा, पर इनको गालियां देके गया। चूहा कैसे गालियां देता है मेरे को जरा बताओ? हैं? चूहे का मुंह ही नहीं बनाया इन्होंने ठीक से, चूहा ऐसे आता है। ये तो कुत्ता लग रहा है। वो तुमने अपने मन में मेरे बारे में ऐसी धारणा बना रखी है, इसलिए इससे बाहर निकलो तुम। ऋषि सर इनका मुंह देख के लगता है ये डॉक्टर होंगे। आइंस्टाइन लगते हो? आइंस्टाइन। यू विल विन द इलेक्शंस जस्ट सी। बट नीतू जी आई मस्ट से यू आर सो प्रीटी लाइक एन एंजल। हाँ जी, उम्र का तो लिहाज करें आप। उम्र का लिहाज मतलब वो तुमने सुना नहीं, एक दो लाइनें सुनाता हूँ अगर अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिएगा। के जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है? जरनवाजी। जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है? टप्पा खा के जाए तो चौका है, सीधा जाके छक्का है।
अब शराब पी के तो नहीं आए? मन है थोड़ा सा, अगर हो जाए तो. अच्छा, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इफ यू डोंट माइंड. यू नो नीतू जी आए हैं, आपको भी तो बोर हो रही होंगी. यू नो यू वॉन्ट सम एंटरटेनमेंट? आपको एंटरटेनमेंट मांगता है? जी जी बिल्कुल मांगता है. ओके आइए. ये प्रॉप्स हटा लो प्लीज फटाफट. चलिए पीछे सेटल डाउन. पानी लेके आओ. लास्ट रूम में क्या हो रहा है, सेटल डाउन करो. और आपका वो जो कैरेक्टर है वो दिल्ली वाला, टू गुड अरोड़ा. ओ आज हम लोग करने वाले थे. अब क्या बोलते हो, बड़ी नफरत है क्या? हाँ मेरे को ये बात पसंद नहीं आई. बिल्कुल नहीं आई. अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी फैंस हैं, और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी. तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए. तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं. हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ. क्या वो एक सुपरस्टार बीवी के साथ होता है? गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ. वो वर्ड गृहिणी, आई डिडंट नो दिस. यू डोंट नो हिंदी? इट्स अ हाउसवाइफ. मुझे रियली नहीं पता है यार. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं गृहिणी समझा ग्रैंड मदर. गृहिणी. ए, इनके सवाल है मेरे नहीं. हाँ, है. अगर आपको स्टूपिड लगे, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट. नो प्रॉब्लम. इनके सवाल ये है कि जब खाना अच्छा बनता है तो हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मैं, अरे पागल है, जूते नहीं खाऊंगा अगर कभी. हिम्मत है किसी को बोलने की? अजीब सवाल पूछ रहा है. मैंने पहले कहा सर ये मेरा सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शादी नहीं हुई ना सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं. होगा बेटे, होगा. फिरंगी के बाद. ये भी एक महिला का सवाल है कि जिस दिन पति घर पे रहते हैं 10 कमियां निकालते हैं किसी भी चीज में, इससे अच्छा तो बाहर ही रहे, ऐसा कभी आप सोचती हैं? रोज. ओ, किसी हमारी माता बहन का एक सवाल है कि जिस दिन पति मूड में होते हैं, एक आध ड्रिंक कर लेते हैं, तो आई लव यू बहुत बोलते हैं. है? एक आध, एक आध से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए टू से आई लव यू. तो क्या ऐसा होता है कि दो चार ड्रिंक के बाद आई लव यू ज्यादा निकलता है? ऐसा होता है? ज्यादा निकलता है तो कभी निकलता ही नहीं है. आई लव यू जब होता है जब डेट कर रहे होते हैं, शादी के बाद आई लव यू नहीं होता ना. इट्स ऑल फिनिश्ड. फिर लव यू और लव होता है ना, बच्चों का लव, घर का लव. नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं. नेक्स्ट लेवल पे फिर वो स्टुपिड बात. वेरी ऑनेस्ट आंसर. सर आपने यस और नो में जवाब देना है. कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस. yes. किस बात पे गुस्सा आ गया था आपको? बदतमीजी पे उनके. बदतमीजी पे? एक्चुअली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लोगों को भी ये बात समझना चाहिए. yeah. पर थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए. सर कभी किसी और एक्टर की फिल्म को देख के आपको लगा है कि काश ये फिल्म मैंने की होती? यस. yes. कौन सी फिल्म? बहुत सी पिक्चरें जो अच्छी होती है वो जो मेरे हिस्से में नहीं आई. ओके. वो मुझे लगता है कि मैंने ये करनी थी, पर मैं सोचता नहीं है. तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तुम्हारा वेट कुछ ज्यादा है, तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर देता. मैम आप खुद एक सुपरस्टार हैं, आप दो सुपरस्टार्स के साथ रहती हैं, एक तो ऋषि सर, दूसरे आपके बेटे रणबीर कपूर. जोरदार तालियां इस बात के लिए. हम दोनों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिकॉज आप ऋषि सर की वाइफ हैं, उतनी ही ऑनेस्ट हैं आप, उतनी ही बेबाकी से बात करती हैं. दोनों में से ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस कौन सा? आई नो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन. जाहिर है यार. ऑब्वियसली. जाहिर है कि मैं नहीं हूं. गुस्सा किसे जल्दी आता है? ये पूछने वाले सवाल. आई नो. फिटनेस, गुस्सा. ज्यादा लेजी कौन है? नहीं, लेजी रणबीर. अच्छा. या ही इज नॉट लेजी. वेरी गुड. क्या बात. ओके. ये ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. कहते अच्छा, दोनों में एक्टर कौन अच्छा है? दोनों की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट. सोच समझ के जवाब. रणबीर एंड दे बोथ आर टॉप क्लास मेरे हिसाब से. यस. वो थोड़ा गंभीर एक्टर है, ये थोड़े अलग, इनकी इनका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है.
But he doesn't copy him. Now वो किसी को copy करता है ना. सबसे बड़ी बात है. He doesn't copy anybody. So दोनों का style है, but they both are. Both are natural actually. सर एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में बॉबी फिल्म में डिंपल जी को एक रिंग देते हैं और राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी और बाद में अपनी वाली पहनाई थी. वो क्या किस्सा क्या है सर, क्लियर मतलब? अब कहाँ पुराने मुर्दे सर, मजा आएगा सर. आप मुर्दे गाड़ रहे हो या तुम उखाड़ रहे हो? सॉरी वो लंबा सा किस्सा है. अभी क्या मालूम क्या हुआ, वो रिंग मेरे पास है बाय द वे. अच्छा? नहीं नहीं वो रिंग अभी अरेबियन सी में है. बैंक में? अरे वो अरेबियन सी में यार, वो अभी वहीं पड़ी हुई है. मतलब तुम्हारे पास वो होगी. पर वो चलो वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो. चलो और बात. कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई इच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं. ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था. मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था. तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके, तो आपके पापा आपके दादाजी क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था. मुझे क्या इल्म, क्या नॉलेज थी एक्टिंग वैक्टिंग की. वो राज साहब जो करके दिखाते थे, मैं उसे कॉपी करता था और वो एक्टिंग हो गई. तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था. पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी, तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डाल. तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया. तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्हें देखा, माथे पे ऐसे लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए. तो मैं घबरा गया कि मैं इनसे कोई गलती हो गई कि दादाजी की आंखों में आंसू आ गए. तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया. क्या बात है. सर आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 इयर्स होंगे ना, 44 साल हो गए इंडस्ट्री में. इस बात के लिए जोरदार तालियां. इतना ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है कि वैसा नहीं. तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज ए एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी. ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, यू विल फॉरगेट योर स्टेप्स राइट, रिदम भूल जाते थे. बट देन यू गेट यूज्ड टू इट. तो अब आप जो ऋषि सर से नीतू मैम से बात करना चाहते हैं. जी जी मैम. हेलो नीतू मैम. हेलो सर. हेलो कपिल. हेलो जी. हेलो सिंधु सर. मैं कल्पना सिन्हा वासी से आई हूँ. मैं मेरी बेटी तान्या जब से रणवीर की मूवी देखी है, अब मैं उसने बोला मम्मी मैं आपका दामाद रणवीर ही होगा. तो मैंने बोला बेटा इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मना रखो क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकती. लेकिन आज वो बड़ी हो गई है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं... हुई है बड़ी. नहीं नहीं आज कहाँ आप, आपकी बेटी साथ में आई है? नहीं नहीं आई है मेरी बेटी. पर हाउ ओल्ड शी इज, आई मीन आप तो इतनी यंग लग रही है, तो बहुत छोटी होंगी. नहीं 23 इयर्स की है वो. हाँ जी. आप खुद 25-30 की लग रही है एक्चुअली. थैंक यू सर. आजकल के बच्चे खुद चुनते हैं अपने पार्टनर को और वही होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाए तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन हो सके तो रणवीर को बताइएगा कि मेरी बेटी काफी खूबसूरत है. जरूर बताऊंगा. थैंक यू. सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और कोई हमारे मेहमान बात करना चाहते हैं ऋषि सर से नीतू मैम से? जी भाई साहब. तू तो हमारी टीम का बंदा. जी तो मैं ऋषि जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ. सो एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लव वॉचिंग योर फिल्म रफू चक्कर और उसमें आपने एक लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था और यहाँ कपिल जी अपने सारे एक्टर्स को लड़कियाँ बनाते हैं. मैं नहीं बनाता हूँ भाई, किसी के घर चल रहे तो तुम्हारा क्या जाना. तो ऋषि जी आपने तो ट्रेंड शुरू किया था, तो आप हमें बताएंगे आपको कैसा लगा था जैसे वो लड़की का कैरेक्टर प्ले करते हुए? नहीं ट्रेंड तो मैंने नहीं शुरू किया था, हमसे पहले बहुत लोगों ने किया हुआ. हाँ ये ज़रूर है कि पेंटर और मैंने वो लड़कियों का भूमिका हमने निभाई थी. एक अच्छा वो वाक्य है, पेंटर ने ही मुझे बताया था, मैं तो भूल गया था. तो हम शूटिंग कर रहे थे श्रीनगर में और वहाँ ओबेरॉय होटल होता था, अभी भी है पैलेस होटल. तो ऑब्वियसली जब नेचर कॉल आता था तो हमें जाना पड़ता था. तो उस वक्त तो पहले कन्फ्यूजन होती थी कि कहाँ जाए, लेडीज़ में या मेंस में. फिर हम जब मेंस में गए तो हमने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो स्कर्ट पहन के जो
कुछ हो रहा था तो एक फॉरेनर था वो देख के हमें ऐसा तो बताओ क्या ये क्या हो रहा है और कपिल जी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं आपके शो में काम करता हूँ आई एम एक्चुअली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया And I know that the whole show and everyone is coming to Australia yes, in March. Yes, we are coming to Australia. And my family, my girlfriend, my friends all love the show very much. And Thank हमारे you. Show के promoter भी यहाँ पे हैं. अरे भास्कर जी कैसे हैं आप? अच्छा हटे नहीं आप देख लो. अपना promotion तो आप कर ही रहे हैं Australia में. इधर आके आपने show में भी करवा दिया ना किसी तरीके. पर अच्छी बात है आ रहे हैं आपको भरोसा नहीं था कि हम मुकर जाएंगे हम लोग. मुकर जाएंगे. हम लोग Australia आ रहे हैं Sydney और Melbourne में. अपनी फैमिली के साथ यही सब मैड फैमिली यही सब करेंगे वहाँ पे भी आके टीवी में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं आप लोगों का इतना प्यार मिलता है बट ऑस्ट्रेलिया इतना खूबसूरत है और मैं पहले भी जब गया था इतना प्यार दिया लोगों ने सो अगेन वी आर कमिंग थैंक यू सो मच भास्कर जी फॉर इन्वाइटिंग अस जी और कोई हमारे दोस्त जी जी मैम हेलो सिद्धू सर कपिल जी मैम एंड ऋषि जी ऋषि बड़ा आपने लुक दिया ऋषि जी ऐसे प्रश्न पूछने से पहले आपने मुझे एक फैन की याद दिला दी वो मुझे ऋषिक बलमा बुलाती थी यस आई एम आल्सो योर ग्रेट फैन थैंक यू तो आई वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम नीतू मैम कि वो थोड़ा मुझे परमिशन दे क्योंकि मैं बहुत दिलों से तमन्ना है कि परमिशन क्या कल को ये ना कि थोड़ी सी शादी कर ले हम नो 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 आई एम ऑलरेडी मैरिड मैन ओके ओके चलिए या या माय सन इज 23 इयर्स ओल्ड अरे अच्छा या आज हो क्या रहा है फिट ऑडियंस सब 23 साल वाले आ रहे फिट ऑडियंस क्या बात है तो मेरा रिक्वेस्ट है मैम से कि थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा परमिशन दे कि मैं ऋषि सर के साथ थोड़ा सा कुछ अपने प्लीज डांस थोड़ा सा डांस हो जाए बहुत दिलों से तमन्ना है अभी तो किया ना नहीं क्या सर किया नहीं सर सर, किया सर, सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैं आपके बगल में ही रहती हूँ तो वहाँ आ जाइए ना घर में फिर डांस करते रहेंगे और क्या करना सर शादी करके ये तमन्ना बगल में ही घर लिया हाँ तो बगल में ही होगी वो जो बाद में होनी वो बगल में ही होगी तो सर मैम से परमिशन है कि थोड़ा मुझे इजाजत दे दे हम दोनों डांस कर सके डांस मैं कह रहा हूँ ना घर पे आओ ना बगल में बिल्कुल साथ में नहीं थोड़ा सा माहौल तो बनना ही चाहिए हाँ भाई ऐसा लगता है सर थोड़ा सा मैम इजाजत है मैं क्या क्या आपके फैन है हमें क्या पता चलिए पहले ओरिजिनल नहीं मैं गा रहा हूँ सर लाइव आई वांट टू प्ले बैक फॉर यू सर ओह लवली आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कपल कोई होगा यहाँ पे भी और पूरी दुनिया में बहुत प्यारे लगते हैं थैंक यू जी बैठ जाओ मैं बैठिए ससुर जी बैठिए बैठिए सासू माँ ये आपने रणबीर के लिए पसंद की इससे अच्छा रणबीर को साइकिल ले देती हैं आप नहीं बट हो चुके तो मैं क्या कर सकती हूँ शादी हो गई हनीमून हो गया आंखें बंद रखते हैं ना ये तो इनको तो पता नहीं चलता सासू माँ कभी कंगन डालने थे डाल दिए इनको तो हथकड़ी डलवानी चाहिए थी आपको ये सब क्या है ये तो आदमी पानी पूछेगा नहीं ना आपको तो मैं ही लेके आई सासू जी पानी ले लीजिए मेरे को ही चिंता रहेगी ना मेरे को ही चिंता रहनी है थैंक यू ससुर जी बस ऐसी बहू चाहिए जो पानी पिलाए पानी पिलाए ये टाइम है पानी का सच में क्या ये पानी का कलर कुछ और होता है इस वक्त आप मुझे घर ले चलिए अपने साथ रोज मैं आपको कंपनी दूंगी आप तो आधे पौवे पौवे में आपका हो जाएगा मैं आधी आप ही जाती हूँ मैं बहुत अच्छी बहू हूँ आपको पता नहीं है और मुझे पता है कपूर खानदान की बहू बनने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश भी आनी चाहिए ना बड़ी बड़ी चीजें मैंने सीख ली है आप मुझसे पूछिए हाउ आर यू हाउ आर यू मेरे में बहुत क्वालिटी है ससुर जी मैं ना घर पे आधा ग्लास पानी का हो ना तो भी मैं नहा लेती हूँ कैसे आधा बाथरूम में जाके वहां तो शावर लगा हुआ है ना मैं ग्लास के पानी से क्यों नहाऊंगी मैं ना बिना मटर के आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ कैसे उसमें पनीर डाल देती हूँ फिर मटर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता मैं इसलिए आई हूँ मेरे को ना बड़ी जेलसी होगी क्यों
वो लेडी वहां बैठी हुई है ग्रीन सूट पहन के, घर पे इनकी बहू है, आप कैसे रिश्ता लेके आ सकती हैं किसी के लिए? शर्मा नहीं चाहिए, थोड़ा टीवी देखा करो, पता चले कि इनकी बहू कौन है। मैं हूं मिसेज रणबीर कपूर, ओके? ससुर जी, जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। मेरे से क्यों? इतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिख ली आपने जी, उसे मेरा जिक्र ही नहीं है कहीं। यहाँ पे ये पब्लिशर बैठे हुए हैं, साइन करो, मेरा सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये ऐड करो पेपर वहाँ पे जाके, है ना, यहाँ पे ये ऐड करो सारा इसके अंदर, प्रीफेस में। उनकी बहू है और पेपर में कहीं जिक्र ही नहीं है। सासुमा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज सास बहू भी इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग चन्ना मेरा करें। हाँ, आपकी चन्ना यहाँ पे है, मेरे चन्ना घर पे है। भाभी जी, आपको जल्दी जाओ, मूछें लगा के डॉक्टर भी बनना है। अच्छा सुनो, कपूर खानदान की बहू इधर आओ, एक सेल्फी ले लेते हैं सबके साथ। अब सब आई हो, तुम्हें लेनी है? ओ, मेरा आई लव सेल्फी। सोडे की बोतल जैसे मुंह वाली औरत, जाओ। एक बार ऋषि सर और नीतू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। और मैम, हमारे शो की एक रवायत है, हम लोग अपने जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे उनको एक खूबसूरत सा फोन गिफ्ट करते हैं, लेके आइए। तो मैम, आपने बड़ा खूबसूरत प्रपोजल रखा उनके सामने, ये फोन, मैं इसमें रणबीर का नंबर सेव करके दे रहा हूँ आपको। आइए मैम, आप ये। अबे ओ कद्दू, हार्ट अटैक नहीं, सांस जा रही है, सांस दे। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मुझे लॉन्च किया, भगवान आप दोनों को लंच और डिनर कराए। कुछ ज्यादा खाना नहीं, हाँ हाँ, मोटी हो जाएगी। चलो चलो निकलो। अरे मेरे उम्र के नौजवानों। कद्दू, आपकी उम्र के नौजवान नहीं होते, नौ नौ पोते होते हैं आपके। आप ये क्या कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? माफ करना, इस उम्र में शर्म नहीं, झुर्रियां आती है। चार चार घंटे लगते, बहुत मेहनत करते साहब हम लोग शो में। हाँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। ये सर इनके डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो आए थे ना बदतमीज से, ये उनके और भी ज्यादा बदतमीज पिताजी हैं। लद्दू हम इनको बुलाते हैं, बहुत शरारती हैं ये। क्या करने आए आप? नीतू जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। चिंटू साहब, अभी हाल ही में आपने बुक लॉन्च की थी ना? जी जी। मैं भी अपना रॉकेट लॉन्च करूंगा। चिंटू साहब आपको पता है, बताओ, जवानी में सब लोग मुझे भी ऋषि कपूर कहते थे। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी नीतू जी, आपका बच्चा भी मशहूर, मेरा बच्चा भी मशहूर, डॉक्टर गुलाटी। दद्दू, उनका बेटा सच में मशहूर है, आपके बेटे ने नाम रखा हुआ है। अभी केले का नाम स्ट्रॉबेरी रख देने से स्ट्रॉबेरी थोड़ी ना हो जाएगी अब। जो भी हो, सिमिलैरिटी तो है ना यार, तू चुप कर। वैसे चिंटू साहब, बात दरअसल ये है कि मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ, तो ऑन दैट नोट प्लीज आप रणबीर से कहिए ना कि दो चार हीरोइन के नंबर मुझे दिला दे बस। नहीं, माफ करना, दरअसल क्या है ना, ऐसी उम्र में अकेलापन काटा नहीं जाता सर। एक नंबर लिखिए आप, मैं अभी देता हूँ आपको। हाँ। 108 नंबर पे करें। हाँ। वो आएंगे आपको लेके जाएंगे। कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप। वैसे आरजूएं तो बहुत है, डफली बजाना ही सिखा दो, इससे भी काम चला लूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये बुक ऋषि सर के ऑटोग्राफ के साथ मुझे मिली है, नाउ आई एम गोना इंक्रीज माई पेमेंट। तो आप सब लोग ये बुक जरूर पढ़िए, बड़ी मजेदार है। अगर आपके आपको इनके किस्से सुन के इतना मजा आया, तो सोचिए जब आप पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी की कहानियां किस्से सुनेंगे, तो आपको कितना मजा आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। We'll be right back.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.